सो आप सभी लोग संजय भट्टाचार्य को भी जानते होंगे। संजय भट्टाचार्य इज़ वन ऑफ द वेरी लेजेंडरी इन्वेस्टर्स और वन ऑफ माई मेरी भी मतलब इंस्पिरेशंस में से एक हैं संजय भट्टाचार्य। उनकी कई सारी इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क बहुत पॉपुलर हैं। बिहेवियरल फाइनेंस पर उनका जो टेक है वो बहुत पॉपुलर होता है। आज हम उनके कुछ की लेसन जो हमने सीखे हैं उनकी जर्नी से, उनके इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क से, वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो पहला तो वो देखते हैं कॉम्पिटेंसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी क्या है, उसकी कॉम्पिटेंसी क्या है, उसमें दृढ़ता कितनी है, उसमें उसकी इंटीग्रिटी कितनी है, कि कहीं क्योंकि अगर अगर मैनेजमेंट शोर निकला तो आपके पैसे नहीं बनने वाले, चल भले ही कितना भी अच्छा सेक्टर हो जाए, कितना अच्छे मैक्रोज हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो मैनेजमेंट के एथिक्स, मैनेजमेंट की वर्किंग, मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंसी कहीं ना कहीं कैपिटल एलोकेशन में दिखाई देती है। जितना एफिशिएंटली अगर मैनेजमेंट कैपिटल एलोकेशन कर सकती है उतनी ही अच्छी वो चीज़ हो सकती है। ठीक, वो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट जैसे कि वॉरेन बफे बोलते हैं कि मतलब इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल अबाउट कि नेवर लूज़ मनी, राइट। इसी तरीके से संजय भट्टाचार्य का भी यही टेक है कि रिस्क मैनेजमेंट, आपको नेवर टेक लार्ज रिस्क, अपने रिस्क को मैनेज करो, मिनिमाइज़ करो। आपका रिस्क इतना है, आपका अपसाइड उतना है, तो आप पैसे बनाओगे। अगर उल्टा हो गया, आपने आप ऐसे आँख बंद करके कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपका उल्टा सीधा रिस्क हो गया, आपका ड्रॉडाउन आ जाएगा, आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपका पहली बार आपकी रिसर्च प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी कन्विक्शन प्रॉपर होनी चाहिए कंपनी पर, और उसके बाद फिर आप जाते हो और एक लिमिटेड रिस्क के साथ जाते हो, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हो। अगर स्टॉक कोई 20% टूट भी गया, आपको पता है कि चलो ठीक है मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। तो वहाँ पर पोजिशन साइजिंग का भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं। आई थिंक एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो संजय भट्टाचार्य बहुत बात करते हैं, डेट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेलिंग। बहुत सारे इन्वेस्टर्स भूल जाते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलिंग व्हेन योर पेपर गेन्स आर अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू योर एक्चुअल गेन्स। सेलिंग पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। संजय भट्टाचार्य का मानना है कि अगर 50% इज़ बाइंग द राइट कंपनी, 50% इज़ एक्चुअली सेलिंग, विच इज़ द एक्चुअल हार्ड पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टॉक डबल्स, वॉट यू डू, यू होल्ड इट ऑफ, यू सेल इट, वॉट डू यू डू, और यू बाई मोर ऑफ इट। इफ़ ए स्टॉक लाइक ब्रेक्स बाई 30%, मतलब डाउन 30% कम हो गया, वो क्या करोगे वहाँ पर, एवरेज डाउन करोगे कि वहाँ पर उसको होल्ड करोगे, इसे सेल करोगे, क्या करोगे। सेलिंग का फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक बिहेवियरल फाइनेंस का इंपॉर्टेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा आता है कि हम अपनी साइकोलॉजी को कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखें और अपने इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के थ्रू हम लोग उस चीज़ को करें, सेलिंग को हम लोग अप्रोच करें। ठीक है, तो संजय भट्टाचार्य का इतना यह मानना है कि लोग ना फ्यूचर मल्टीबैगर्स को बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं वो, लेकिन जो उन्होंने जो स्टॉक्स तो ले लिया उनके उनका करना क्या है उनके बारे में उनको आइडिया होता नहीं है। ठीक है, आई थिंक उनको बहुत तरीके सही तरीके से लेना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इतना ही हम अच्छे स्टॉक्स जो हम फंडामेंटल्स देख के, टेक्निकल देख के, जैसे भी हम देख के ढूंढ रहे हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये चीज़ भी है। ठीक, तो अगली जो चीज़ है वो लोग बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म वोलेटिलिटी अगर कैश फ्लोज में है तो वो मतलब सही तरीका नहीं है, वो सही फ्रेमवर्क नहीं है। सो यू शुड द रियल रिस्क एक्चुअली इन्वेस्टिंग में, दैट इज़ द वॉलेटिलिटी इन लॉन्ग टर्म कैश फ्लोज। अगर लॉन्ग टर्म कैश फ्लोज हमारे प्री डिटरमाइंड है, उसमें वो कॉन्स्टेंट हैं, वो तो वहाँ पर हमारे पास में बहुत ही अच्छा तरीका है। बिकॉज अगर लॉन्ग टर्म कैश फ्लो हमारे कॉन्स्टेंट है, हमें पता है इतना फ्री कैश फ्लो बनेगा, इतना कंपाउंड होगा, फिर हम फिर DCF करने का मतलब होता है, फिर हम उसके लिए आज के प्रेजेंट वैल्यूज़ की हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंट ही नहीं है कैश फ्लो, तो फिर तो क्या ही होगा, है ना। सो आई थिंक जो रियल वॉलेटिलिटी, जो रियल रिस्क है, वो कहीं ना कहीं कि कहीं और कहीं ना कहीं वहाँ पर, इसलिए जो मोड्स का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा खुल के आता है। इसके अलावा बिज़नेस वैल्यूएशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिज़नेस की जो के वैल्यूएशंस को कौन ड्राइव कर रहा है, एक्चुअल में बिज़नेस वैल्यूएशन को ड्राइव करता है। तो ऐसे बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिज़नेस ड्राइव द वैल्यूएशन। बिज़नेस को समझो, बिज़नेस क्योंकि ड्राइव कर रहा है वैल्यूएशन। कई लोग वैल्यूएशन को अलग से देखते हैं कि लोग पी डिस्कस कर रहे हैं। अब पी तुम भाई बिना बिजनेस को ध्यान में रखे पी देखोगे तो भाई वो तो गलती करोगे। फिर नेस्ले का पी 100 होता है और उसका स्टील इंडिया का 10 PE होता है, तो स्टील इंडिया खरीदोगे, नेस्ले कभी खरीदोगे नहीं। नेस्ले के क्या रहते हैं, पिछले 20 साल में देखो तुम, तुम्हारे कंसिस्टेंट तुम्हारे कैश फ्लोज आए हैं। क्योंकि हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस भी किया था कि रियल रिस्क तो क्या रहते हैं, इनकन्सिस्टेंसी कैश फ्लो में ही है। ठीक है, मतलब कंसिस्टेंट कैश फ्लो वहाँ से तो क्या ही दिक्कत है, मतलब समझ रहे हो। फिर जो एक चीज़ जो बोलते हैं कि मल्टीबैगर्स ढूंढना ही नहीं है इन्वेस्टिंग, अगर आप एक नॉर्मल रिटर्न्स बनाते हो, बिकॉज आपकी फ्यूचर वैल्यू क्या, आपकी प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1+R की पावर n, तो अपना आप n बढ़ाओ, आप अपना PV बढ़ाओ, सब रेट के पीछे ही पड़ेगा, रेट की भी पड़ेगी, तो सब ऐसे नहीं, मल्टीबैगर से ही आपका काम बन जाएगा। आप अच्छे खासे स्टॉक्स लेते हो, सही फ्रेमवर्क यूज़ करते हो, बहुत अच्छे पैसे बना सकते हो। आई थिंक बिहेवियरल फाइनेंस का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आप बोलेंगे बिहेवियरल फाइनेंस पे भी हम लोग कर देंगे। इसके अलावा फोरकास्ट जो है
वो है एक पब्लिक एंटरटेनमेंट की चीज़ है, कि फोरकास्ट का कोई मतलब नहीं होता स्टॉक प्राइसेस का, एक्चुअल में इनहेरेंट देखे तो कोई मतलब नहीं एक्सेप्ट फॉर परसेप्शन, स्टॉक प्राइसेस पी फॉर परसेप्शन, और फोरकास्ट का भी पब्लिक एंटरटेनमेंट के अलावा कोई मतलब नहीं है। एनालिस्ट बैठे रहते हैं और वो देखते हैं कि भैया अगले साल इसका ये फोरकास्ट होगा, ये इसकी ग्रोथ होगी, वो होगी, ज़्यादातर सब झूठी होती है। क्योंकि मतलब बिजनेस में आप बिजनेस को आप एनालाइज कर सकते हो, फंडामेंटली देख सकते हो उसके कैश फ्लोज कैसे आ रहे हैं, कितनी ऑपरेटिव इनकम है, क्या बिजनेस के मोड्स हैं, क्या कंपेटेटिव एडवांटेज है, उनको एनालाइज करते हो, कंपेटिटर्स कहाँ से आ रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी है, क्या मैनेजमेंट है, कैसे ब्रेक थ्रू करेंगे, वो चीज़ आप देख सकते हो। लेकिन आप चले गए साहब क्या फोरकास्ट के पीछे, तो वो है परफेक्ट स्ट्रेटजी फॉर अ डिज़ास्टर in making, and these are all the things that I personally learned from Sanjay Bhattacharya. He's a great inspiration, great investor. Behavioral finance का जो importance I think Sanjay Bhattacharya से अच्छा कोई नहीं बताता। Selling का importance, एक अच्छी बहुत अच्छी book है जो कि वो recommend भी करते हैं when to sell करके, आप चाहे तो internet पर देख लें और पढ़ लें, बहुत अच्छी किताब है। क्योंकि selling is the process when you actually convert your paper gains into real gains, and that is really important. So I think इस वैल्यू से आपको, इस वीडियो से जरूर आपको वैल्यू मिली होगी। अगर आपको वैल्यू मिली है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, ऐसा हम और क्वालिटी कंटेंट लाते रहेंगे। ठीक है, मैं जानता हूँ ये वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, बट आई थिंक जो कंटेंट क्वालिटी मैं चाह रहा हूँ वो आई थिंक बहुत ही शानदार मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक इस तरीके का कंटेंट क्वालिटी आपको यूट्यूब पर बहुत ही डिफ़िकल्टीज मिलेगा, खास करके इतने कम मतलब टाइम फ्रेम में, मतलब कि मैं 6-7 मिनट की वीडियो में बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सब टाइमलेस कॉन्सेप्ट हैं, जैसे मंगर के कॉन्सेप्ट हो गए, संजय भट्टाचार्य हो गए, और भी कई सारे इन्वेस्टर्स हम लाते रहेंगे धीरे धीरे, इनकी जो टाइमलेस जो उनकी जो लर्निंग्स है वो हम आपके सामने लाते रहेंगे, जिससे कि हमारी पूरी कम्युनिटी और मोर एजुकेटेड हो पाए। ठीक है, दैट इज़ द गोल ऑफ दिस चैनल।